पीछे से आया तो रेस लगा दिया, ट्रेन हार गया, मैं क्या करूं भाई साहब, आज भी ट्रेन जा रहा है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मेघालय। लॉयर असम को एक्सप्लोर करने के लिए निकला था, जितना पॉसिबल हुआ एक्सप्लोर किया। साउथ छालमारा मानकरसर डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट से अभी मैं वापस जा रहा हूँ और मेघालय के थ्रू तुरा के थ्रू मैं ग्वालपारा जाके उठूंगा, वहाँ से सीधा बरपेटा जाऊँगा। यहाँ से ग्वालपारा तक लगभग 100 किलोमीटर है और 100 किलोमीटर पूरा पहाड़ी इलाका है, पूरा पहाड़ के ऊपर ऊपर से जाना पड़ रहा है, तो मजा आएगा, आगे देखता रहिए। आते आते मैं पूरा पहुँचने ही वाला हूँ, बस 8 किलोमीटर बचा है और यहाँ पे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाए और अभी जाएंगे तुरा। तो गाइस आते आते मैं तुरा पहुंच गया और मेघालय तुरा का एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। पहाड़ है, पहाड़ी पहाड़ है और बाइक को ड्राइव कर रहा हूँ पहाड़ के बीच से, अच्छा है, ठीक ठाक है, चल रहा हूँ। बस बाइक को राइड करके जा रहा हूँ, वीडियो तो उतना नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं बाइक को राइड करूँगा तो वीडियो कैसे होगा बाहर। तो तुरा में एक स्टेडियम मिला, स्टेडियम ही है और यहाँ पे देखो फुटबॉल मैच होने वाला है शायद आज से। देखो कितना साजा के कितना मस्त करके रखा है ये, या ग्वालपारा की ओर चल रहा हूँ मेघालय के थ्रू, मजा आ रहा है। ये जो पहाड़ है इसका एक्सपीरियंस कुछ और ही है, मैं जैसे नागालैंड गया था, मणिपुर गया था, उसका वो जो पहाड़ी इलाका था, वो जो रूट था, उसका जो एक्सपीरियंस है वो अलग है, यहाँ का अलग। अभी तो यहाँ पे ठीक ठाक है, ऐसा रूट रहेगा तो बहुत ही मजे से जा पाऊंगा, बहुत ही अच्छा लगेगा जाने में। अगर थोड़ा उल्टा सीधा आ जाए कभी कभार तो थोड़ा दिक्कत होता है, जो पत्थर होता है ना छोटा छोटा उसमें स्लिप करता है, बाइक का टायर स्लिप करता है तो उसमें थोड़ा दिक्कत होता है, बाकी सब कुछ बढ़िया है, मजा आ रहा है गाइस, मजा आ रहा है। तक 140 किलोमीटर बचा है मेरे सामने घर पहुंचने में और आते आते मैं यहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा है वेस्ट गारो हिल्स मेघालय करके, यहाँ पे इस साइड पे देख सकते हो वेस्ट गारो हिल्स मेघालय और दासी लेक अनोग्री, यहाँ पे एक लेक है, ये वाला जो है ये लेक है दासी लेक अनोग्री। मानकरसर और बांग्लादेश बॉर्डर के पास जो गए थे, साउथ छालमारा मानकरसर डिस्ट्रिक्ट में और बांग्लादेश बॉर्डर के पास, तो आज जैसे कि 10 बजे वहाँ से मैं निकला था, मैं आते आते ग्वालपारा पहुँच गया और सामने है जुगीर गुफा ब्रिज, इस साइड में थोड़ा दिखा देता हूँ, ये है जुगीर गुफा ब्रिज और अभी जाएंगे और इस साइड है ट्रेन लाइन, देखो इस साइड में है ये जो रूट है, रूट की उस साइड से ट्रेन लाइन होके गया है, उस साइड से ट्रेन लाइन गया ट्रेन लाइन। तो पायलट ब्रो सच कहते थे यार तुम, सच में तो ये तो ट्रेन के साथ रेसिंग करने वाला ही रोड है, एक साइड में रोड गया है, देखो कार जा रहा है, एक साइड से कार जा रहा है और ऊपर से जाएगा ट्रेन, तो अगर ट्रेन आ जाए और कार के साथ रेस तो हो सकता है भाई साहब। मेरा ये बेड लाख है छोटा सा कि मैं जब भी मतलब जाते समय भी एक भी ट्रेन नहीं आया, अभी मैं इस तरफ जा रहा हूँ तो भी नहीं आया, अगर होता तो जरूर पक्का मैं रेस करता ट्रेन के साथ, ठीक है ना। अभी यहाँ पे काफ़ी धूप है, ज़बरदस्त धूप है, तो मैं यहाँ पे रुका क्योंकि यहाँ से जो व्यू दिखता है ना इस साइड में लैंडस्केप वो काफ़ी अच्छा दिखता है, मज़ा आता है यहाँ से दिखने में, मुझे अच्छा लगता है।
गाइस जैसे कि मैंने निकला था लोअर असम को एक्सप्लोर करने के लिए, तो 7-8 दिन मुझे लगा यहाँ पे मतलब एक्सप्लोर करने के लिए। मैं जस्ट ग्वालपारा और साउथ सलमारा मानिकरसौर डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लोर कर पाया। धुबरी अभी तक बाकी है, धुबरी को कभी और करेंगे। और काफ़ी अच्छा लगा, मज़ा आया लोअर असम को एक्सप्लोर करने के लिए। जितना मैंने एपिसोड बनाया तो ये होगा लास्ट। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, लेट्स एक्सप्लोर लोअर असम करके ये बना हुआ है पूरा। वहाँ पे 9-10 वीडियो आपको मिल जाएगा जो कि पूरा लोअर असम घूम के लोअर असम को एक्सप्लोर करते हुए मैंने बनाया और आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, उसके लिए आपको थैंक यू सो मच। तो गाइस अभी निकलेंगे, ऑल इंडिया ट्रेवल करेंगे, अच्छा लगेगा, ये मेरा पहले से ही सपना था। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, फॉर सपोर्टिंग मी, फॉर लविंग मी, फॉर लविंग माय वर्क, एवरीथिंग। तो गाइस आज के ब्लॉग में इतने, ये मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बिंदास रहिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। तो गाइस ये जो ब्लॉग है, इस ब्लॉग को मैं शूट करते मैं ये भी बताया कि यहाँ पे रेस कर सकते हो, मतलब कि इस साइड से ट्रेन जाता है, इस साइड से मतलब गाड़ी वगैरह बाइक वगैरह चलते हैं इस साइड में। तो ऐसे बातें कर ही रहा था मैं ब्लॉग में, पहले भी बताया कि आज मेरा बैड लक है, ट्रेन नहीं आया, मैं देखने को भी नहीं, रेस की बात तो छोड़ो। तो गाइस ब्लॉग को मैंने एंड किया था तो भी दोबारा से शूट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा है। वो शाकिल ब्रो ने कहा था जैसा फाइन शाकिल ब्रो ने, तो वैसे ही हुआ, वैसा मज़ा गया।